अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर पढ़ चुके हैं, हेक्साडेसिमल ऑक्टा क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ चुके हैं, बाइनरी नंबर का एडिशन भी देख चुके हैं, बाइनरी का सबट्रैक्शन भी देख चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन देख चुके हैं और डिवीजन देख चुके हैं। उसके बाद हम देख चुके हैं आपके 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 1st कॉम्प्लीमेंट और 2th कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने ना देखा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट आता है वो ये आता है, एडिशन ऑफ नंबर्स विदाउट चेंजिंग द बेस, मतलब बिना बेस को चेंज किए हुए आप किन्हीं भी दो नंबर को एड कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप इसमें कंसेंट्रेशन अपना बना के रखें। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है 1 2 1 2 3 0 का बेस 4, ऐड करना है आपको 2 3 का बेस 4। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको एडिशन करना है और आप इसमें देख सकते हैं कि ये बेस 4 हो गया या इसी जगह कोई दूसरा बेस भी हो सकता था, 5 हो सकता था, 6 हो सकता था, 7 हो सकता था। तो अगर आपकी एडिशन की बेसिक नॉलेज अगर कंप्लीट है तो आप इसको कर सकते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, या हम डेसिमल में कर तो लेते हैं डेसिमल नंबर का एडिशन, लेकिन हमको उसका लॉजिक नहीं पता होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 2 3 0 और इसमें हमको ऐड करना है 23 प्लस। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं इसका जो बेस है 4, आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह कि आपको इसका बेस याद रखना है, इसका बेस है 4। अब 3 प्लस 0 किया तो इसका आंसर आया 3, और 3 जो है आपका बेस से कम है तो आपने इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसकी बात क्या है, यहां पे 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, और 5 जो है 4 से बड़ा है, ठीक है, तो 3 प्लस 2 आपका 5 हो गया और 5 से कितना बड़ा है 3 प्लस 2 5, ठीक है, तो 5 हो गया ये आपका, अब 5 आपका 4 से बड़ा है, इसका मतलब आप इसको यहां पे नहीं रख सकते। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 3 प्लस 2 5 5, और जो 5 है ये आपका 4 से कम हो गया है। तो जैसे मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, सब्सट्रैक्शन करते समय, एडिशन करते समय यहां पे क्या होगा, अब आप देखेंगे आप क्या करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 1, अब यहां पे 1 आ रहा है और वहां पे क्या जा रहा है कैरी, ठीक है, तो यहां पे कैरी क्या जाएगा 1, तो यहां पे कैरी चला गया 1, ठीक है। अब 2 को 1 से प्लस कर देंगे तो क्या हो गया 3 हो गया, तो यहां पे 3 आ गया और फिर यहां पे ये 1 आ गया। तो ये आपका हो गया किसी भी बेस को बिना कन्वर्ट किए हुए एडिशन। तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे हो क्या रहा है, मेन जो हमारा कंसंट्रेशन है वो है बेस वैल्यू पे, मतलब जैसे ही कोई नंबर बेस वैल्यू से ज्यादा होता है तो क्या होता है हम अगले नंबर को कैरी दे देते हैं, ठीक है, तो अगले नंबर में वो कैरी चला जाता है और उस नंबर में जितना भी वो बेस से ज्यादा होता है वो उठा के यहां पे रख देते हैं, ठीक है। ये सेम है डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह, जैसे अगर यहां पे लिखा है 9 और यहां पे लिखा हुआ है आपका 2, तो ये क्या होता है, ये 9 प्लस 2 ये आपका हो जाता है, अगर यहां पे कुछ ऐसा लिखा हो 22 8, तो ये कैसे होता है, यहां पे इसको 9 प्लस 2 करेंगे तो ये एक्चुअली तो होता है जाके 11, लेकिन जो ये 1 होता है और ये 10 क्या ऐसे आता है, ये डेसिमल नंबर है तो आप 11 में से 10 को जब माइनस करेंगे मतलब ये बेस से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहां पे क्या आता है 1 आता है और जो बेस होता है ये आपका वहां पे चला जाता है कैरी 1 में, ठीक है, तो कैरी हमेशा आगे की तरफ चला जाता है और जितना भी ये बेस से ज्यादा होता है उसको आप एज इट इज रख देते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसको लेते हैं,
दूसरा क्वेश्चन है 7 3 4 बेस 8 प्लस 4 4 4 बेस 8। तो अगर आप ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ नहीं है, इसमें लॉजिक एक ही लग रहा है, तो आपने इसको कैसे लिखा, इस पे ऐसे लिख लिया 7 3 4 4 4 4 प्लस हो गया। अब इसको आप कैसे कर रहे हैं, आपने यहां पे लिख लिया इसका 8, ये क्या है, ये इसका बेस है। तो आपको बेस में बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने बेस ध्यान नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया, और 8 क्या है, 8 इसका बेस है, तो 8 में से 8 को माइनस किया तो क्या आ गया 0, तो यहां पे क्या आएगा 0, और कैरी ऊपर चला गया 1, तो यहां पे क्या हो गया 4 प्लस 4 8, फिर से ये 8 हो गया, तो यहां पे क्या आ गया 0 और कैरी चला गया ऊपर 1। अब यहां पे क्या होगा 7 प्लस 1 8 9 10 11 12, तो आप 12 को एज इट इज रख देंगे, 12 को एज इट इज रखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे 12 में से 8 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा इसका आंसर, अब इसका आंसर आएगा 12 में से 8 मतलब 4, तो यहां पे आया 4 और कैरी क्या गया 1, ठीक है, क्योंकि जो बेस से आगे निकल रही है वैल्यू तो वो कैरी जा रही है, तो यहां पे जो कैरी आ रहा है ये 1 आ रहा है, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसको जितना भी एडिशन में आ रहा है उसको बेस से माइनस करेंगे, तो यहां पे माइनस करने से जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको यहां पे रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसमें आप अगर खुद से ही क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होगा हम आपको उसमें प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, ये माइनस का है, ये अलग एंटी टाइप का क्वेश्चन है, 4 3 2 पावर 5 और माइनस आपको करना है 1 2 4 पावर 5 से। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या करना है, इसमें आपको माइनस करना है। अब ये माइनस कैसे करेंगे, तो जैसे एडिशन होता है सेम माइनस होता है, तो आपको यहां पे क्या करना होगा, इसको वैसे लिखेंगे 4 3 2, इसमें से माइनस करना है 1 2 4, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर फिर इसकी बेस वैल्यू आपको ध्यान देनी है, यहां पे बेस वैल्यू क्या है इसकी 5, ठीक है, बेस वैल्यू 5 होगी। अब आप देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आपका ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, तो आप माइनस नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे यहां से कैरी लेंगे, ठीक है। तो कैरी क्या आएगा, डेसिमल में 10 आता है, बाइनरी में 2 आता है, तो यहां पे बेस है 5, तो क्या आएगा 5, तो यहां पे आ गया 5, ठीक है। तो आप आपका यहां पे नंबर क्या बचा, यहां पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2, तो यहां पे जो नया नंबर हो गया वो हो गया आपका 5 प्लस 2 7, ठीक है, और 7 में से अब गया 4 माइनस हुआ तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर आ गया 3, ठीक है, और यहां पे क्या वैल्यू हो गई 2, अब 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, अब यहां पे बचा 4 और यहां बचा 1, तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा 3, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ये हो गया 303, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे जो गेम है वो आपका मेन गेम है उसका, बेस का या रेडिक्स का, ठीक है।
ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल जो आप करते हैं एडिशन या सबट्रैक्शन उसकी अगर आप बात कर लेते हैं तो होता क्या है, अगर यहाँ पे 732 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 28, तो यहाँ पे जब ये नंबर डेसिमल में, अगर इसका बेस 10 है डेसिमल में है, तो ये जब यहाँ पे जाता है तो क्या होता है, ये 12 कैसे होता है, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ये होता है यहाँ से यहाँ जाने का मतलब ये 10 जा रहा है, आप कैरी वन बोलते हैं लेकिन जाता 10 है क्योंकि इसका बेस 10 है, तो यहाँ पे जो नया नंबर होता है ये होता है 10+2 मतलब 12। अब 12 में से 8 जाएगा तो ये आपका बचेगा 4, तो आप यहाँ पे लिखते हो 4, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका बेस वैल्यू। अब हम अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसमें जो अगला क्वेश्चन है ये आपका और डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन लॉजिक सबका सेम है तो आपके लिए बहुत इसमें आसानी हो जाएगी। इसमें क्या है, ए वन डी कौन सा नंबर है, ये आपका हेक्साडेसिमल है क्योंकि इसमें डी आ गया, प्लस 99F16, तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या है, बेस 16 है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो ए होता है ये किसके बराबर होता है, इसको आप ए को लिखते हैं 10, ठीक है, बी को लिखते हैं 11, सी को लिखते हैं 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को लिखते हैं 15, ठीक है। तो ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब यहां पे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लिखा हुआ है आपका 10, मतलब ये हो गया 10 और ये ए की यूनिट हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है 1, तो ये 1 हो गए। इसके बाद लिखा हुआ है डी मतलब 13, इसके बाद लिखा है 99F मतलब 99 और F आपका लिखा हुआ है 15। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, सेम लॉजिक आपको लगाना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों नंबर जो ऊपर दिए हुए हैं हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे अलग, तो ये हो गया 13+15, तो ये आपका आ गया 538 और ये आ गया 28, तो ये आपका इसका एडिशन आ रहा है, लेकिन इसका जो जो ये वैल्यू आ रही है आपकी, ये क्या है, 16 से बड़ी है और 16 आपका क्या है, बेस वैल्यू है। तो जब वैल्यू बड़ी होती तो हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू से इसको माइनस कर देते हैं, तो हम यहां से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 1, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12 आ गया, और हमने 16 से माइनस किया है क्योंकि ये वैल्यू बेस से बड़ी थी, तो कैरी क्या आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरी 1 आ गया। अब ये क्या हो गया, 9+1 10 10+1 11 11 16 से कम है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगली वैल्यू में आ गए, अगली वैल्यू में क्या है, 10+9 आपका कितना होगा, 10+9 ये आपका हो गया 19। अब जो ये 19 हो गया है ये आपका 16 से ज्यादा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 16 माइनस करेंगे। अब जब 16 से माइनस करेंगे तो यहां आगे आएगा 3,
तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे इसको 3 और कैरी आगे 1, तो यहां पर आगे कैरी 1, तो ये आ गया यहां पे 1। अब यहां पे क्या है आपको देखना पड़ेगा, ये एक यूनिट है, तो अब 11 को क्या हम लिखते हैं, 11 को लिखते हैं बी और 12 को लिखते हैं सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1 3। 11 को लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं सी, तो ये आपका आ गया इसका फाइनल आंसर एडिशन का। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये सी आपका आ गया यहां से 12 1 3। अब ये कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका ये क्वेश्चन है कि ये 1 3 आपने 1 3 की जगह यहाँ पे डी क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 3 नहीं है, ये है सिर्फ 3 और 1 है कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये नंबर आपका 19 आया था, 19 में से आप 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है, तो आपने रिमाइंडर 3 लिखा और 1 आपका कैरी आया, तो ये आपका अलग है यूनिट और ये अलग है, और ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे सी और इसको पढ़ेंगे बी और इसको आप 3 पढ़ेंगे और इसको 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा ये आएगा। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा क्योंकि इसमें जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव होगा आपके लिए, तो इसको आप कर सकते हैं B1F और आपको इसको ऐड करना है E1A। अब इसमें मुझे बेस तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, तो आप इसका जवाब मेरे पास कमेंट में दे सकते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है। अब इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे एक PDF है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैंने